नमस्ते एंड वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। तो एज टीचर्स हम हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं सो दैट दे परफॉर्म वेरी वेल, फाइन। तो हम टीचर्स को भी समटाइम्स वी ऑल्सो रिक्वायर कि हमारे भी जो अच्छा वर्क है उसको कोई रिकॉग्नाइज करे। तो श्योरली हमारे अच्छे वर्क को हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारी अथॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज करती है और अप्रिशिएट करती है। तो उनसे ऊपर अगर हमें नेशनल लेवल अवार्ड चाहिए तो दिस इज़ व्हाट इज़ आर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट टू नॉमिनेट इन दिस नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक टीचर। सो दिस इज़ बिन अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है आने वाला है, सो इफ़ वी विश वी कैन नॉमिनेट आर सेल्व्स। सो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी बेस्टोनिंग द नेशनल अवार्ड टू एग्जेम्पलरी टीचर्स। सो ऑन 5th of September द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विल बी गिविंग और प्रेजेंटिंग द नेशनल अवार्ड टू एग्जेम्पलरी टीचर्स। तो ये प्रेजेंटेशन अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है कि ये नेशनल अवार्ड टू टीचर्स है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और पॉलिटेक्निक टीचर्स के लिए। सो इफ यू विश यू कैन अप्लाई फॉर इट, फाइन। सो लेट अस सी द डिटेल्स अबाउट दिस अवार्ड। सबसे पहले देखते हैं यूजीसी का सर्कुलर। सो दिस इज द यूजीसी सर्कुलर। इफ यू कैन सी द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 टू फैसिलिटेट एग्जेम्पशनल एंड एग्जेम्पलरी वर्क ऑफ द टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग पॉलिटेक्निक, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2024 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी फॉर्म फिलिंग जो है 21 मई से शुरू हो चुकी है एंड द लास्ट डेट इज़, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, 20 जून 2024 लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, फाइन। और इसकी सेरेमनी 5th of September 2024 को होगी, विच इज़ अ नेशनल टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन, और ये दिन जो नेशनल टीचर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन इसकी सेरेमनी होगी और अवार्डीज को अवार्ड दिया जाएगा, फाइन। नाउ लेट अस सी इफ यू विश कि किस कैटेगरी में हम आते हैं। लेट अस सी द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ दिस अवार्ड। सो ये अवार्ड की दो मेजर कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी इज टॉकिंग अबाउट एग्जेम्पलरी टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये टोटल 25 अवार्ड्स है फॉर द टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑल अबाउट एग्जेम्पलरी टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। टोटल 10 अवार्ड्स है इसमें। तो इन ऑल 35 अवार्ड्स एग्जेम्पलरी टीचर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो नेशनल लेवल पे मिलेगा। सो अवार्डी को क्या क्या मिलेगा, लेट अस क्विकली सी। सो अगर अवार्ड आपको मिलता है तो एज अ अवार्डी यू आर गोइंग टू रिसीव अ मेडल, अ सर्टिफिकेट एंड अ कैश प्राइज ऑफ ₹50,000, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अवार्डी को मिलेगी। आई होप यू माइट बी एक्साइटेड टू गेट द अवार्ड। नाउ लेट अस सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्या है देखते हैं। द अवार्ड इज ओपन टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक्स इन इंडिया सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो इंडिया लेवल पे हर एक रीजन, हर एक एरिया के टीचर्स जो हायर एजुकेशन और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए ये ओपन है टीचर्स के लिए जो इन एरिया में काम कर रहे हैं। और चार मेजर कंडीशन है। फर्स्ट है कि द नॉमिनी शुड बी रेगुलर फैकल्टी मेंबर। तो रेगुलरली आपका वर्क होना चाहिए एंड दैट टू शुड हैव एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस एट द अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल का तो होना ही चाहिए एट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। थर्ड
थर्ड वन इज शुड नॉट बी अबव 55 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डे डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर द अवार्ड. सो एज क्राइटेरिया है कि 55 ईयर्स से अबव नहीं होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है कि 28 जून में. एंड द फोर्थ कंडीशन इज वाइस चांसलर डायरेक्टर प्रिंसिपल रेगुलर और ऑफिसिएटिंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. तो ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर दिस नेशनल टीचर्स अवार्ड. हाउएवर इंडिविजुअल हु हैव हेल्ड सच पोजीशन अर्लियर बट आर बिलो 55 इयर्स ऑफ एज एंड स्टिल इन एक्टिव सर्विस आर एलिजिबल. तो पहले अगर ये पोस्ट पे आप हो, अभी नहीं हो एंड स्टिल यू आर वर्किंग एक्टिवली वर्किंग एंड बिलो 55 इयर्स एज है तो यस यू आर एलिजिबल to nominate. So these are the major four eligibility criteria. Let us move and understand the two major websites which you can refer if you wish to go for it. So very first which I am going to show is for the complete guidelines you need to visit this particular website, National Award to Teachers. PDF hai pura 12 pages ka. You can go through it and understand the details about this award. And if finally you wish ki haan mujhe form bharna hai, then yes, you need to go to Rashtriya Puraskar Portal. This is Rashtriya Puraskar Portal ka website address hai. Yahan pe jaake aap register kar sakte hain aur form fill kar sakte hain. So now I'm going to quickly show you these two website so that it might be helpful to you. तो सबसे पहले मैं जो आपको वेबसाइट बता रही हूँ, दिस इज़ अबाउट यूजीसी की. कंप्लीट 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, डिटेल्स है, गाइडलाइंस है. सी ओ वही है ये जो सर्कुलर था जो मैंने आपको बताया, वो हायर एजुकेशन एंड पॉलिटेक्निक टीचर्स का नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 है. राइट फ्रॉम स्कोप ऑल द डिटेल्स आर रिटन रिलेटेड टू द अवार्ड, नेम ऑफ द अवार्ड है, सारी चीज़ें हैं इसमें, यू कैन गो थ्रू इट. ऑल्सो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये चार पैरामीटर्स में आपको अपने आप को रेट करना है, वेटेज सारा लिखा हुआ है. एंड देन द डिटेल्स आर ओवर हियर, जस्ट गो थ्रू इट. एंड इफ यू सी दिस कि यू नीड टू राइट 800 पेज का आपका करियर प्रोफ 800 वर्ड्स का आपको आपका करियर प्रोफाइल, 800 पेज नहीं, हाँ 800 वर्ड्स ये हुई है, करियर प्रोफाइल लिखना है. एंड ऑल्सो यू नीड टू अपलोड अ यूट्यूब वीडियो. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इफ़ यू सी ओवर हियर, ये पेज नंबर 7 पे है, वीडियो सबमिशन है. सो यू नीड टू प्रिपेयर योर वीडियो विद शोकेस कि आपके अंदर क्या क्या आउटस्टैंडिंग काम आप कर रहे हो एज अ टीचर. एंड यू नीड टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब एज अ प्राइवेट लिंक और फिर फॉर्म के साथ अटैच करना है. Fine. So these are all the details. Please do read this. There is also an extra one जहाँ पे आपको आपके authority, that is head of the institution, it can be vice chancellor, director, principal, उनका official signature और seal लेना है. And this is the flyer of this National Teachers Award. Fine. So ये सारी guidelines आपको इस पे यहाँ पे मिल जाएगी, ये website के address जो मैंने आपको attach किया है. एंड यस, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यू विल गो टू दिस राष्ट्रीय पुरस्कार वेबसाइट. एंड प्लीज सी ओवर हियर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट है. यहाँ पे आपको सारे पिक्चर्स भी दिखेंगे, ग्लिम्सेस दिखेंगे. देखिए नारी शक्ति पुरस्कार 21-22 एंड सिमिलरली बहुत सारे पुरस्कार के ग्लिम्सेस है. तो नेशनल लेवल के जो भी पुरस्कार मिलते हैं इसकी ये वेबसाइट है. तो नॉमिनेशन फॉर ऑन गोइंग अवार्ड्स, इफ आई स्क्रोल ओवर हियर, सी देर आर नंबर ऑफ अवार्ड्स विच आर ऑन गोइंग, जहाँ पे नॉमिनेट लोग कर सकते हैं. इसमें से हमारा है नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2024. सो यू विश टू गो फॉर इट तो व्यू डिटेल्स पे जाइए. So as soon as you click, you will get this page. Again, सारे criteria details लिख रखे हैं. Also in this area, that is left hand side, अगर आपको वापस guidelines देखनी है तो you can go by it. Fine. So finally, if you wish to register, तो आप nominate apply पे click करिए. And if you have already logged in, तो आप आपका login ID password डाल सकते हैं. अगर आपका new registration है तो सबसे पहले आपको register करना है, तो click over here, आप register करिए. All the details are written, आप read करिए and accordingly fill करिए, submit करिए and finally complete करिए आपका form filling. I hope this is okay and you must have understood. Let me go to my presentation. So this was all about the two major website addresses जो आपको गाइडलाइंस भी देगी और आप आपका रजिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं. सो लेट मी गो टू द लास्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड. सो आई विश कि आप
नॉमिनेट करें अपने आप को और सीखें। सो इट्स नॉट कि हम जीत ही जाए, इट विल बी वेरी गुड कि आपको अवार्ड मिले, बट अगर नहीं भी तो जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या क्राइटेरियाज के अंडर अवार्ड मिलता है, हम भी सीखते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, एंड दिस विल बी अ लर्निंग प्रोसेस। सो डू पार्टिसिपेट, दिस इज वॉट इज माई अंडरस्टैंडिंग। एंड यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बोलनी है कि दिस इज फ्री, हाँ, देर इज नो पर्टिकुलर चार्जेस, नो फीस यू हैव टू पे फॉर नॉमिनेटिंग अंडर दिस नेशनल अवार्ड्स टू टीचर, एंड वेदर अवार्ड वी गेट और नॉट इज अ सेकेंडरी थिंग। हमेशा हम रीइन्फोर्स्ड रहेंगे ही एंड वी विल डू आवर बेस्ट, दिस इज वॉट इज माई अंडरस्टैंडिंग। सो डू नॉमिनेट योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर इट। सो थैंक यू, होप दिस विल दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज हेल्पफुल टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू एंड नमस्कार।